Kashif Tech present. Please like and subscribe. सो ही गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आपसे बहुत बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार का न्यू स्टेटस वीडियो को बनाएंगे। तो अगर आपको भी इस टाइप की वीडियोस बनानी है तो इस वीडियो को हम अलाइट मोशन ऐप की मदद से बनाएंगे। तो अगर आपको अलाइट मोशन ऐप को डाउनलोड करना है तो सबसे पहले आप क्या करना, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना जाना, वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। मैंने वहाँ पर मतलब टेलीग्राम अपलोड कर दिया, उसका लिंक दे दिया और मैंने पिन कर दिया, तो पिनड मैसेज चेक करना आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको बीट मार्क मतलब हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस प्रकार से बीट मार्क मिलेगा, इसको आपको मतलब इंपोर्ट करना है। ओके, देन इंपोर्ट करने के बाद अपना फोटो डाउनलोड कर लेना। तो आपका मतलब 12-13 फोटो यहाँ पर लग जाएगा वीडियो बनाने में, तो आप 12 फोटो डाउनलोड कर लेना। ओके, एंड अब सेलेक्ट करके नीचे आना है और यहाँ पर देखो लिखा हुआ है फोटो 916 साइज, इस पर क्लिक करना है। देन कलर एंड फिल पर क्लिक करके सेलेक्ट मीडिया करना है। ऊपर आपको फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है। अब जो भी फोल्डर में आपका फोटो है सिंपली यहाँ पे आपको अपनी फोल्डर को सेलेक्ट कर लेना है। ओके ना, तो मैं यहाँ पे अपनी फोल्डर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना फोटो को सेलेक्ट करना है, जो भी आपका फोटो है उसको मतलब यहाँ पर सेलेक्ट करना है। पहला फोटो को सेलेक्ट करना है, देन ऊपर प्लस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सेलेक्ट करके आपको आगे जाना है और आगे जाने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आपको फोटो चेंज करना है 11 सेकंड पे। ओके, तो यहाँ पे 11 सेकंड पे आ जाना है, 12 सेकंड पे इस लेयर पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करके सेलेक्ट मीडिया करना है। सेकंड फोटो को सेलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट लेयर पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करके सेलेक्ट मीडिया करना है। फिर नेक्स्ट फोटो को सेलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट लेयर पे क्लिक करेंगे, कलर एंड फिल पे क्लिक करके सेलेक्ट मीडिया करेंगे, फोटो को सेलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देंगे। सो आप लोग देख सकते हो इसी प्रकार से यहाँ पर आपको जो है ना फोटो को मतलब ऐड करते रहना है। तो यहाँ पे आपको इतना ध्यान रखना है कि सभी लेयर्स में हम अलग अलग फोटो को ऐड कर रहे हैं। ओके ना, तो इस प्रकार से लेयर पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करके सेलेक्ट मीडिया करना है, फोटो को सेलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है। तो जस्ट आप लोग देख सकते हो इसी प्रकार से यहाँ पर आपको फोटो को ऐड करते रहना है। ओके, और हाँ, फोटो ऐड करने के बाद इसको ना आप ध्यान से देखना ये फिल है कि नहीं है। अगर ये फिट या स्ट्रेच रहता है तो इसको आप फिल कर देना। ओके, इससे ये होगा कि आपको फोटो क्रॉप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी मैंने फोटो क्रॉप करने के लिए आपको बोला भी नहीं है, तो जस्ट आप फोटो ऐड करते हैं ना इस प्रकार से। इसमें पहले से फिल किया हुआ है तो आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। तो लेयर पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करके सेलेक्ट मीडिया करना है, फोटो को सेलेक्ट करके ऊपर प्लस पर क्लिक कर देना है। सो तो यहाँ पर पूरा 13 फोटो लगा है इसमें। ओके, तो 13 फोटो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, अपना 13 फोटो यूज करके अपना वीडियो बना सकते हो। उसके बाद आपको ऊपर शेयर वाला आइकन पे क्लिक करके वीडियो एक्सपोर्ट कर लेना है। सो गाइस, बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना।